तो आज मैं बनाने वाला हूँ एक होवरक्राफ्ट। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे एक होवरक्राफ्ट साइड से कैसा दिखता है। पहले इसका एक बेस होता है, समझ लीजिए एक बेस है, और इसे दाएं बाएं जाने के लिए इस पे एक रडर बना रहता है। तो ये है इसका रडर, और इसे आगे जाने के लिए यहाँ पे एक मोटर रहता है प्रोपेलर के साथ। तो समझ लीजिए एक प्रोपेलर है और यह है इसका मोटर। ये बन गया इसका मोटर का माउंट, और अब इसमें डालना पड़ेगा एक स्कर्ट। आपने सही सुना, होवरक्राफ्ट में भी एक स्कर्ट रहता है। तो ये हो गया इसका स्कर्ट। तो नॉर्मली अब होवरक्राफ्ट में क्या होता है, ज्यादातर होवरक्राफ्ट में इस स्कर्ट में हवा भरने के लिए यहाँ पे एक और प्रोपेलर रहता है मोटर के साथ, जो नीचे की तरफ ऐसे हवा को धकेलता है, जिसकी वजह से होवरक्राफ्ट का ये जो स्कर्ट है इसके अंदर हवा जाता है। पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस मोटर को कैंसिल करना चाहता हूँ। मैं एक ही मोटर से इसे आगे भी लेके जाऊंगा, और इसी मोटर से हम इसके स्कर्ट के अंदर हवा भी भरेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चैनल बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आधा हवा इसे थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा और आधा हवा इसके अंदर चला जाएगा इस स्कर्ट को इन्फ्लेट करने के लिए। तो इसके लिए पहले हमें इसका बेस बनाना पड़ेगा। तो बेस के लिए हम यूज करेंगे कार्डबोर्ड, जो होगा तो दिखने में कुछ ऐसा होगा, और इसका जो लेंथ होगा, ये लेंथ होगा 12 इंच, और इसका जो चौड़ाई होगा, या फिर कह सकते हो विड्थ, ये है 6 इंच का होगा। और सामने की तरफ ये जो हिस्सा है, इसे हम ऐसे राउंड कर देंगे। इसका कोई स्पेसिफिक नाप नहीं है, बस जैसे आपकी मर्जी वैसे इसे काट दीजिए। इसके अंदर ये जो बेस प्लेट है, इसके अंदर हवा भरने के लिए हमें इसमें दो और छेद बनाना पड़ेगा। तो छेद हमें कहाँ बनाना है, ये जो पिछले का हिस्सा है, पिछले हिस्से से 1 इंच ऊपर, मतलब ये समझ लीजिए 1 इंच है, और इधर भी 1 इंच ऊपर, यहाँ पे हम ऐसे स्क्वायर करके दो होल बनाएंगे। तो ये होल का जो मेजरमेंट है वो होगा 1.5 इंच इच साइड, क्योंकि स्क्वायर है, इधर भी 1.5 इंच, इधर भी 1.5 इंच, मतलब चार ओर 1.5 इंच का ही होगा। पीछे से यहाँ का डिस्टेंस होगा 1 इंच, और साइड से इसका डिस्टेंस होगा 0.5 इंच। ये जो है बिल्कुल इसी तरह दिखेगा। ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 12 इंच, ये है 6 इंच, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 इंच, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1.5 इंच, ये भी 1.5 इंच, और ये जो है ये है 0.5 इंच, मतलब आधा इंच। तो ये हो गया होवरक्राफ्ट का बेस। और अब हम जो होवरक्राफ्ट बनाएंगे, इसका जो स्कार्ट का टाइप होगा वो है सी टाइप स्कार्ट। आपने सही सुना, होवरक्राफ्ट का स्कार्ट का भी बहुत सी टाइप होता है। तो हम बनाएंगे इसमें सी टाइप स्कार्ट, मतलब अगर आप देखेंगे तो ऐसा, ये जो साइड व्यू समझ लीजिए, एक साइड व्यू है, मतलब ये हो गया इसका बेस प्लेट, ये इसका बेस है और ये स्कर्ट है। तो स्कर्ट कुछ ऐसा होगा, मतलब दोनों नीचे की तरफ ऐसा उठा हुआ होगा, दोनों तरफ ऐसा खुला हुआ होगा। तो इसके लिए हमें एक और प्लेट चाहिए, जो फिर से मैं कार्डबोर्ड से ही बनाऊंगा, जिसका लेंथ होगा, जो दिखने में कुछ ऐसा स्क्वायर सा ही होगा, और जिसका लेंथ होगा 7 इंच। तो ये होया 7 इंच, और इसका ये जो चौड़ाई होगा, ये होगा 1.5 इंच, और इसके अंदर हमें एक होल बनाना पड़ेगा। होल भी स्क्वायर टाइप का ही होगा, इसे भी हम काट के फेंक देते हैं। तो ये जो नाप है, यह है कि 0.5 इंच चारों ओर बाद, मतलब यहाँ से ये जो जो हिस्सा रहेगा उसका लेंथ होगा 0.5 इंच, 0.5 इंच, मतलब यहाँ पे भी 0.5 इंच, 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 जो दिखने में होगा कुछ इस तरह। तो ये जो लेंथ है, ये है 7 इंच, ये है 1.5 इंच, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये है 0.5 इंच, और बाकी का हिस्सा तो मैंने काट के फेंक दिया। तो चलिए अब इन दोनों चीजों को जोड़ के हम बनाते हैं एक वर्किंग होवरक्राफ्ट।